साथियों, कितनी भयंकर बातें चल रही हैं और मैं आपको जितनी बातें अभी तक बताया तो आप लोग केवल दुखी हो रहे होंगे। इतना सारा हो रहा है और अखबार वाले एक सिंगल खबर नहीं दे रहे, मीडिया वाले सिंगल खबर नहीं छाप रहे, जिनका 2400 घंटे ये सारा डाटा और रिसर्च करके अखबार में छापने का है, ये रिकॉर्ड में होने के बाद खबरें नहीं छाप रहे हैं। इसका मतलब है भारत का जो मीडिया है, जो आर्टिकल 19 के तहत उसको अधिकार दिया गया है, भारत का मीडिया देशद्रोह का काम में लगा हुआ है। भारत का मीडिया देशद्रोह के काम में लगा हुआ है, जिनको आर्टिकल 19 के तहत अखबार और चैनल चलाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के तहत है। ये कोई साबन प्रोडक्ट करने का धंधा नहीं है पेपर निकालना। पेपर निकालना ये दूसरे इंडस्ट्रियल लाइसेंस की तरह नहीं है, ये आर्टिकल 19 के तहत अनुमति मिलती है। ये प्रेस एंड पब्लिकेशन एक्ट है आर्टिकल 19 के तहत। ये मार्केट में प्रोडक्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता है वो नहीं है ये प्रोडक्ट, अखबार और मीडिया। इस संवैधानिक आर्टिकल 19 के तहत इनको ये अधिकार दिया गया है और वो अधिकार के विरोध में मीडिया के लोग खबरें तक नहीं छाप रहे। भारत के 140 करोड़ जनता को जानकारी देने के लिए आर्टिकल 19 के तहत अखबार को अनुमति दी गई है, चैनल को अनुमति दी गई है। अखबार चैनल ये झूठ बातें छाप रहे हैं और सच जो है खबर तक नहीं दे रहे, लोगों जानकारी तक नहीं दे रहे। अगर अखबार और मीडिया वालों को लगता है कि मामले में इस्लाम ने उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया, मेरे खिलाफ के दया करो भाई, फिर मैं देखता हूं तुम लोगों को। लोग कहते हैं कि मीडिया बहुत ताकतवर है, तो मैं देखता हूं कितना ताकतवर है, झूठ कितना चलेगा। झूठ तो तुम्हारे अखबार में तो चला सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में तो आमने सामने प्रूव करना पड़ेगा ना कि तुम खबरें ना छापने वाले ईमानदार कैसे हो, कोई सबूत तो है नहीं। इतनी भयंकर बातें चल रही है देश में।